हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी पे। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम आपके लिए डिजीज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस फ्रेंड्स वीडियो में हम बात करेंगे ओरा हेल्थ जेल के बारे में, जो कि क्या है कि मुंह में अगर छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाता है या हमारे जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर अगर पेन होने लगता है, तो उस दौरान बेसिकली हम इस ओरा हेल्थ जेल के यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे ओरा हेल्थ जेल है, इसमें क्या कंपोजिशन पाया जाता है, मतलब कौन सी ड्रग्स पाई जाती हैं, कहाँ पर यूज करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन है एंड कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो कि हमें ओरा हेल्थ के यूज के दौरान देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। पहले हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि ओरा हेल्थ जेल जो बना होता है इसमें कौन कौन सी ड्रग्स या कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सामान्यतः इसमें तीन केमिकल्स होते हैं। पहला है बेंजिल क्लोनियम क्लोराइड, जो कि 0.01% वेट बाई वेट की कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किया गया होता है। नेक्स्ट जो है वो है कोलिन सल्सलेट, जो कि 8.7% वेट बाई वेट की कंसंट्रेशन में इसमें प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट जो है वो है लिंजोकेन, जो कि 2% वेट बाई वेट की कंसंट्रेशन में इसमें प्रेजेंट होता है। अभी इनका यूज क्या है आगे फर्दर वीडियो में आपको कन्फर्म हो जाएगा। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की कौन बनाती है, तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि इसको बनाती है, काफ़ी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि हमें हमारा जो ओरा हेल्थ जेल है इसको प्रिपेयर करती है। बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो बेसिकली 30 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर में बेसिकली इसको स्टोर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके MRP, तो सामान्यतः क्या 70 से 77 रुपये के आसपास बेसिकली इसका एक ट्यूब आता है जो कि 15 ml का होता है। ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे इतने MRP के अराउंड मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किन किन केसों में हमें ओरा हेल्थ का जेल का यूज़ करना चाहिए। तो इसका यूज़ अगर हमारी ओरल कैविटी हो गई, अगर उससे रिलेटेड कोई पेन हो गया, मसूड़े दर्द हो गए, दांत का दर्द हो गया, तो उस दौरान बेसिकली हम इस जेल का यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ माउथ अल्सर, जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि बम्स निकलने के बाद फूट जाते हैं, उसके बाद काफ़ी पेन होता है, तो अगर ऐसी समस्या आती है तो वहाँ पर भी हम ओरा हेल्थ जेल का यूज करते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो पीले पीले दाने पड़ जाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो अगर ऐसे दाने पड़ते हैं जो कि काफ़ी पेन करते हैं, तो उस दौरान भी हम ओरा हेल्थ जेल का यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे दांत से रिलेटेड अगर कोई पेन हुआ तो उसके रिलीफ में बेसिकली हम क्या है इस ओरा हेल्थ जेल का यूज करते हैं। इसके साथ साथ दांतों से रिलेटेड या हमारे ओरल कैविटी से जैसे स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया या जलन जैसी समस्या अगर देखने को मिलती है हमारी ओरल कैविटी में, तो उस दौरान बेसिकली हम ओरा हेल्थ जेल का यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे कंडीशन है जहाँ पर बेसिकली हमें ओरा हेल्थ जेल का यूज करना चाहिए। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको कंफर्म हुआ होगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, क्या जब हम अप्लाई करते हैं तो ऐसा ये क्या कर देता है जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों से रिलीफ मिल पाती है, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें ये कैसे एक्ट करता है। तो बेसिकली इसमें फ्रेंड्स दो मेन ड्रग्स पाई जाती हैं। पहले ही हो गई कोलिन सल्सलेट, जो कि एक एनसेड क्लास की ड्रग होती है। ये क्या कर देती है कि एक हमारी बॉडी में एंजाइम पाया जाता है कॉक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये क्या कर देती है, नॉर्मली ये सिंथेसाइज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारी बॉडी में पेन स्वेलिंग जैसी समस्या को क्रिएट करता है। बट क्या है कि जो कोलिन सल्सलेट है ये क्या है हमारी कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, मतलब उसे रोक देता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाता। एंड जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, जिसकी वजह से ना हमारे पेन होता है, ना स्वेलिंग होती है, ना कोई जलन जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली कोलिन सल्सलेट क्या कर देता है, हमारी जो कॉक्स एंजाइम उसको इनबिट कर देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाती। प्रोस्टाग्लैंडिन बनती नहीं तो वहाँ से पेन नहीं होता एंड स्वेलिंग नहीं होती। एंड जो नेक्स्ट ड्रग है वो है लिडोकेन। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि क्या है ब्लॉक कर देता है हमारे सिग्नल को, जो कि क्या है कि पेन के सिग्नल को हमारी नर्व के द्वारा बेसिकली ब्रेन तक पहुँचाया जाता है। तो लिडोकेन क्या करता है कि जो बेसिकली जो नर्व जो है पेन के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचा रही थी, तो उन नर्व के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन का सेंसेशन कम हो जाता, माने कि पेन हमें नहीं होता। तो इस प्रकार बेसिकली ओरा हेल्थ जेल जो है हमारी बॉडी में वर्क करता है। आई होप सो मैग्नीजियम ऑफ एक्शन आपको इजीली कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसके डायरेक्शन यूज की, हमें यूज कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली इसका वैसे यूज करना चाहिए, आपको सामान्यतः पता है फिर भी बता देते हैं कि बेसिकली इससे ये जेल हो गया, इसको आप एक मिडल फिंगर मतलब कोई भी फिंगर है वहाँ पे ले लीजिए 2 से 3 ड्रॉप। फिर क्या है आप जेंटली आराम से उस जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे अल्सर है, वहाँ पे इजिली आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि आप हो सकता है अगर माउथ के बाहर हो चुका हुआ होगा प्रॉब्लम, तो वहाँ पे क्या है कि आप इजिली जो है जो आपका ट्यूब होता है वहाँ से थोड़ा सा दबा के उसी स्थान पे 2 से 3 ड्रॉप लगा के फिर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यही बेसिक दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से बेसिकली आप जिस तरह से बेसिकली आप इनका यूज कर सकते हैं आप अपने इन्फेक्टेड एरिया पे।
तो आई होप सो ये भी पॉइंट आपको कन्फर्म होगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की, कौन कौन सी सावधानियाँ जो हमें ध्यान में रख के इसका यूज करना होता है। तो पहला है, हमें स्वैलो नहीं करना चाहिए। स्वैलो क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या है कि अगर आप स्वैलो करेंगे तो उसके साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हमारी बॉडी के इनसाइड भी जाएगा, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है, जो हमारा ओरा हेल्थ जेल होता है इसको स्टोर करना चाहिए कूल प्लेस पे एंड ड्राई प्लेस पे, ना कि सनलाइट की, जो सनलाइट हो वहाँ के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमें इसको बचाना होता है। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है कि जब हमें यूज करना हो तो उससे पहले जो हमारी लेबलिंग होती है उसको हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रिकॉशन दिए गए हैं उस सारी चीज़ों को समझ लेना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए एंड हमेशा जो इसका यूज होना चाहिए वो मेडिकल, मतलब कि मेडिकल सुपरविजन का, मतलब कि डॉक्टरी परीक्षण के बाद या डॉक्टर से मिलने के बाद ही इसका यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि जब आपको ऐसी समस्या हो तो उस दौरान स्टिक फूड को अवॉइड करना चाहिए, ताकि क्या इरिटेशन ना हो, क्योंकि आपकी अगर माउथ में अल्सर होगा तो उस दौरान अगर आप कोई भी एसिडिक फूड यूज करेंगे तो उस टाइम क्या है इरिटेशन समस्या जैसी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे प्रिकॉशन जो कि हमें देखना चाहिए, हमें करना चाहिए जब हम बेसिकली क्या है ओरल हेल्थ जेल का यूज कर रहे हो। अब फ्रेंड्स लास्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सामान्यतः वैसे फ्रेंड्स इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, फिर भी क्या है ये दो मेन साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। ये हो सकता है जब आप इसको अप्लाई करें तो बर्निंग, मतलब जलन जैसी फीलिंग आपको देखने को मिल सकती है जब आप इसका यूज कर रहे हो अपने ड्यूरिंग इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट जो है वो रेडनेस की, कुछ इस प्रकार जैसे इमेज में आप देख पा रहे, हो सकता है आप जब ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक यूज करें तो इस प्रकार कुछ आपको देखने को मिल सकता है रेडनेस, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ या आपकी कैविटी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। आई होप सो ओरा हेल्थ जेल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया इन 5 मिनट में। आई होप सो इस वीडियो से मिली जानकारी आपको लिए अच्छी होगी एंड आपको समझ में आया होगा इस पॉइंट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इसी तरह की शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।